अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तारीफ में आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद, मेरे साथ हैं मोहम्मद राहील। आज के प्रोग्राम के अंदर हम अपने एनाटमी के प्रोफेसर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? बहुत मेहरबानी, ठीक हूँ। सर, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप थोड़ा सा हमें अपने मेडिकल करियर के बारे में बता सकें, टाइम लाइन थोड़ी सी दे सकें कि MBBS से आगे तक। मैंने 1976 में ग्रेजुएशन की MBBS फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर, एंड देन आई सर्व एज डेमोंस्ट्रेटर इन एनाटॉमी डिपार्टमेंट फॉर 1.5 ईयर एंड गॉट एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर फॉर MPhil इन एनाटॉमी विच एक्वायर्ड इन द स्टिपुलेटेड टाइम, एंड was selected as assistant professor in King Edward Medical College Lahore. There I served for 7 or 8 years, and then I was shifted to Postgraduate Medical Institute Lahore as associate professor. There I served again for 8 or 10 years, and then I was promoted there as professor of anatomy, but immediately transferred to the Rawalpindi Medical College, Rawalpindi, where I again served for 5 years. And then I got premature retirement from government service to join the private sector in Wa Medical College. There I served for 2 years. Then I shifted to Lahore and joined the CMH Medical College, Lahore, Kent. Again served for 2 years, and then my friends who started a new medical college, Central Park Medical College, my class fellows, they asked me to serve in the Central Park Medical College. I am still serving for the last 10 years since its inception. सर, हम आप एनाटॉमी के प्रोफेसर भी हैं, आपने पूरा डिपार्टमेंट हैंडल भी करते हैं और फिर आप टीचिंग भी करते हैं। सर, हमने देखा कि आप काफ़ी प्रोडक्टिव हैं, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं इस तरह? मैं टाइम फुल टाइम जो मेरा यहाँ पर डिप्यूटेड है एट सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज, उसको फुल्ली यूटिलाइज करता हूँ। से इट इज़ फॉर 6.5 आवर्स, तो आई एम फुल्ली कमिटेड विद माई ड्यूटी एंड आई डू नो अदर जॉब और बिजनेस इवन इन द ऑफ टाइम। वाट एवर आई हैव टू स्टडी टू प्रिपेयर द लेक्चर्स एंड टू एक्विंट माई सेल्फ विद द करंट नॉलेज, I do it at home. सर, हमारे लिए एज स्टूडेंट्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए आपके पास कोई एडवाइस या टिप्स हैं टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से, प्रोडक्टिविटी के लिहाज से? अगर तलबा अपना पूरा टाइम कॉलेज में ही स्टडीज़ पर दे दें और थोड़ा सा टाइम भी अगर ऑफ द ऑफिशियल टाइम यानी इवनिंग में या रात को थोड़ा सा पढ़ लें, सिर्फ एक नज़र से कि सुबह क्या पढ़ना है या क्या पढ़ाना है हमें, उसके मतलब देख लें, तो वही काफ़ी होता है उनके लिए फॉर फ्यूचर लर्निंग। उसी में वो अपना सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सर, आपकी डेली रूटीन क्या है, आप हमें उसके बारे में सब बता सकते हैं कि आप किस तरह? जैसे मैंने कुछ आपको बताया कि कॉलेज में जो मेरे पास टाइम है वो मैं फुल्ली यूटिलाइज करता हूँ फॉर द गेन ऑफ नॉलेज एंड टू कम्युनिकेट द नॉलेज। घर में आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद माय फैमिली एंड माय रिलेटिव्स। इवन देन आई ट्राई टू स्पेयर 1 to 2 hours to study
and prepare the lecture for the coming day. सर आपने इतने आप एक्टिव हैं, इतने आपने फिटनेस का भी ख्याल रखा है, आप लिफ्ट भी नहीं यूज़ करते और लेक्चर भी सर आप फुल पूरा का पूरा लेक्चर खुद ही लेते हैं सारा, तो सर आपने इस तरह अपनी फिटनेस और जो ये है एक्सरसाइज वगैरह ये हर चीज़ किस तरह मेंटेन किस तरह की है आपने? लिफ्ट तो वाकई मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, शायद एक आध दफ़ा कोई ऐसा गेस्ट आ गया ओल्ड एज में जो किसी हेल्थ इश्यूज की वजह से स्टेयर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके साथ मैंने कंप्लीट जरूर किया है। तो ये तो फिर वाकई आप सही कहते हैं, फिट रहने के लिए कुछ चीज़ें एक्वायर करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों को निगलेक्ट करना पड़ता है, तो वो करना चाहिए। सर स्टूडेंट लाइफ में आप पढ़ाई के अलावा कोई आपकी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, लाके आप किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं? अब पहले मैं काफ़ी गेम्स में भी एक्टिव था, क्रिकेट खेल लेता था, लेकिन उसके बाद मैंने ज़्यादातर टाइम जो है वो अपनी बुक्स को अपडेट करने के लिए किया है। आई हैव 10 बुक्स इन माई क्रेडिट विच हैव पब्लिश सो फार and there are many editions I have been published. I take care of them to update them on each and every day. इसके अलावा आजकल कोई ऐसी और कोई एक्टिविटी नहीं है। सर क्लास के अंदर आप सीआर को इमाम साहब कहते थे, तो सर उसकी कोई ख़ास वजह? वो तो प्यार में कह देता हूँ और कोई बात नहीं है। और सर लेक्चर्स लेते हुए हमें याद है जब आप हमें पढ़ाते थे तो आप अक्सर ना कोई क्वेश्चंस पूछते थे, और जब बच्चे क्वेश्चन ना दें तो आप हमें डांटते हुए ना मुस्कराते थे, तो सर वो मुस्कराते क्यों थे? अपने आप पर हंसी आती थी कि मैंने क्या पढ़ाया है, बच्चों ने क्या सीखा है, और कोई वजह नहीं है। सर आप हमेशा एक कोई ना कोई क्वेश्चन करते थे तो आप कहते थे ये 500 का क्वेश्चन या 1000 का क्वेश्चन, तो आज तक सर किसी ने वो इनाम जीता है? इनाम जीता भी है लेकिन किसी ने लिया नहीं है, ये इनकी मेहरबानी है बच्चों। सर आपको स्टूडेंट लाइफ में कोई हर बच्चा ही कोई ना कोई शरारत करता है, आपको कोई ऐसी शरारत याद हो जो अभी तक याद है और उसकी कोई सजा भी मिली हो? नहीं, बस इसी तरह की शरारतें हम भी करते थे लेकिन ज़रा शायद उस नैच पर नहीं होती थी, शरारत ज़रूर होती थी, शरारत तो हक है स्टूडेंट्स का, वो ज़रूर करनी चाहिए उनको, लेकिन किसी को इरिटेट ना करें, किसी को तंग ना करें। सर वाइवा के अंदर जब भी हम आते हैं तो आपको हर बच्चे का पता होता था, याद होता था कि उसका पूरा साल कैसा बिहेवियर रहा है और किस तरह रहा है, तो आपको सर हर स्टूडेंट, इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे, मतलब एक एक इंडिविजुअल हर स्टूडेंट याद होता है आपको, तो सर कैसे? एक तो एनाटॉमी टीचिंग बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, फिर कुछ मेरी आदत है कि मैं क्लासेस रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली लेता हूँ, मेरा एक्सपोजर भी स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा आता है। फिर हमने डाटा भी बड़े सही तरीके से अपडेट किया होता है स्टूडेंट्स का, हर स्टूडेंट का, और फिर हम उसको रिव्यू करते रहते हैं, तो इस तरीके से कुछ अंडरस्टैंडिंग बन जाती है स्टूडेंट्स के मतलब। सर आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम निकाला हमारे लिए इस तरह ये इंटरव्यू के लिए, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, खुश है। उम्मीद है आपको भी वीडियो पसंद आई होगी, अगले एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।